अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फातिमा रंगदज आज आपके लिए चिकन पॉकेट की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड। जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड आटा पहले से ही लगा दिया, जो हम पिज्जा का डो लगाते हैं ना फ्रेंड, सेम हमें वही पिज्जा का आटा गूंदना है। इसलिए हमने पहले खमीर उठने के लिए रखना था, इसलिए हमने पहले से ही गूंद लिया। आपको पहले मैंने दो रेसिपी में आटा गूंदना बताया आपको फ्रेंड, तो सेम हमें वैसे ही आटा गूंदना है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर कच्चे एक चिकन बड़ा बड़ा चिकन ब्रेस्ट लिया था, उसे हल्का सा हल्दी और नमक डाल के फ्रेंड मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्ची लिया है और नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है और यहाँ पर मैंने कैप्सिकम लिया है फ्रेंड। मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताती हूँ। अभी मैंने आपको आटे का बताया, अभी मैं आपको फीलिंग बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं उसकी ये जो मैंने साग कैबेज और जो रखा है ना कुकुम्बर, ये भी हम साइड में करेंगे। अभी हम पहले फ्रेंड फीलिंग रेडी करते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के आसपास हमने यहाँ पर ऑयल डाला है फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहले कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके अंदर फ्रेंड। कैप्सिकम को हम 2 से 2 मिनट हम सोते करेंगे फ्रेंड, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड हमारी कैप्सिकम देखिए हल्की सी ट्रांसपेरेंट होगी। अब इस पर फ्रेंड क्या करेंगे, हम हमारा चिकन ऐड करेंगे। हम चिकन को भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि इसकी अगर कोई स्मेल हो फ्रेंड तो वो चिकन की हो सब चली जाए। देखिए फ्रेंड ये 1 से 2 मिनट हमने इसको सोते कर लिया। अब मैं इसमें नमक और ये जो हमने ब्लैक पेपर लिया था फिर काली मिर्ची, ये हम इसके अंदर ऐड करके अभी 1 से 2 मिनट हम इसको और भुनेंगे। थोड़ा तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो थोड़ी ऐसी दिखे तो आप थोड़ा इग्नोर करेगा, आज मेरी छोटी बेटी बना रही है, बड़ी बेटी इस तरह भी सो रही है इसलिए मान ने कैमरा पकड़ रखा है, तो थोड़ा समझ जाइएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड अच्छा 1 से 2 मिनट हो गया है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे, इतनी देर हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड अभी हम इसकी सॉस के लिए हम क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पर 6 से 7 चम्मच हम मायोनीज का ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर ये मायोनीज इसमें ऐड किया है फ्रेंड। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, हम 1 चम्मच के आसपास हम इसमें जो हमारा चिली सॉस है वो ऐड करेंगे फ्रेंड। आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना तो कम भी ले सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे फ्रेंड, इतना फ्रेंड ज़्यादा नहीं बस, क्योंकि तीखा हो जाएगा फिर। और यहाँ पर सॉल्ट भी हम फ्रेंड सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसमें आधा नींबू काट के डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड इसमें हम आधा नींबू ऐड कर देंगे। बीज को हम निकाल लेते हैं फ्रेंड, इसमें बीज आ गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हम 2 लहसुन के ये हमने ये लिए जवे, अब हम इसको भी इसमें ग्रेटेड करके इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये हमने ये लहसुन के लिए, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में फ्रेंड क्या करेंगे, जो हमने सलाद लिया ना फ्रेंड ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी हम थोड़ा पत्ता गोभी बचा लेंगे फ्रेंड, ये हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड। चिकन का मसाला, जो हमने चिकन का मसाला बनाया ना फ्रेंड वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड अब हम ऐसे हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें केचप भी ऐड करेंगे। सॉरी फ्रेंड हम थोड़ा भूल गए थे आपको बताना, अब हम इसमें केचप भी ऐड करेंगे फ्रेंड। से मिक्स करने के बाद फ्रेंड ये देखिए जो हमारी जो फीलिंग हमने बनाई थी ना चिकन की फ्रेंड, ये फीलिंग भी हल्की सी गर्म है फ्रेंड, देखिए धुआं निकल रहा है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप थोड़ा ठंडा करके फिर डालिएगा फ्रेंड, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा आपको बताने के लिए गर्म गर्म ही डाल रही हूँ, आप ठंडा करके डालिएगा। अब फ्रेंड हम इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड कितनी सिंपल रेसिपी, कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है हमें, जल्दी बन के रेडी भी हो जाएगी। सिर्फ अभी जो इसका रोटी बनाना है ना हमें इसका पॉकेट, उसमें थोड़ा हमें टाइम जाएगा। ये फ्रेंड देखिए ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब हम चाहे इसमें तो आप थोड़ा सा सलाद और ऐड कर सकते हैं, मैं सोच रही हूँ इसमें जो हमने बचाया है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। ठीक है फ्रेंड अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसे साइड में रख के हम इसके पॉकेट बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए फ्रेंड ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई, अब हम इसको साइड में रखेंगे, अब हम इसके पॉकेट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड ये हम क्या करेंगे, हमारा जो बैटर है ना, हम ये आटा थोड़ा सा इतना थोड़ा सा लेंगे फ्रेंड, और हम पहले आपको ये स्टेप प्लेटफॉर्म इस पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे फ्रेंड, और हम इस पर इसको जैसा पिलक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड अब हम इसकी अच्छी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, ज़्यादा पतली भी नहीं फ्रेंड, ज़्यादा मोटी भी नहीं, बराबर एक
थोड़ी सी एक मोटी मीडियम आ करके हम रोटी बेलेंगे। देखिए फ्रेंड ये इतनी मोटी, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, आप कोई भी ऐसा आपके घर में मग या कुछ भी ऐसा मग ये कुछ लीजिए और हम इसे गोल गोल इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड ये से हम सारे पॉकेट को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड ये हमने सब कट कर लिया है। अब हम फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने बेकिंग ट्रे ली है फ्रेंड, हम इसे बनाएंगे तवे पे, लेकिन हमने बेकिंग ट्रे ली, इस पर हमने ऑयल लगा दिया फ्रेंड। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमने पॉकेट बनाए ना वो हम इस पर रख के थोड़ा इसको 5 मिनट हम रेस्ट होने देंगे, ताकि उससे क्या होगा फ्रेंड ये थोड़े फूल जाएंगे, तो हमारे जो पॉकेट है ना फ्रेंड वो अच्छे बनेंगे। अभी हम इसको ऐसे बस बना के फ्रेंड हम इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए रेस्ट रहने के लिए रख। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह ये हमारे सारे ये पॉकेट बन चुके हैं, हमने यहाँ पर साइड में हमने यहाँ पर तवा गर्म होने के रख दिया फ्रेंड। अब हम फ्रेंड क्या करेंगे, जो हमारे एक एक जो है ना हम इसको उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम तवे पे रख देंगे फ्रेंड। हम 2 से 3 मिनट एक्साइट करेंगे, 2 से 3 मिनट हम एक्साइट में इसको सेकेंगे। अभी हम पहले सारे एक एक करके रख देंगे फ्रेंड। देखिए हमको बेले बना के रखने से फ्रेंड इसके ऊपर जो हल्के हल्के से जो बबल्स उड़ गए ना फ्रेंड, तो इससे हमारे पॉकेट अच्छे बनेंगे, इसलिए आप थोड़ा इसको बना के 5 मिनट थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख देंगे ना, तो उससे आपके पॉकेट अच्छे बनेंगे फ्रेंड। ये फ्रेंड हमने गैस स्लो ही रखा है, हम इसे स्लो गैस पे ही बनाएंगे, जल्दबाजी मत करिएगा वरना फिर ये फूलेंगे नहीं फ्रेंड, इसलिए हम पहले 2 से 3 मिनट पहले हम इसको एक साइड पे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह देखिए आपको दिख रहा है ये हमारे कैसे फूल गए। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे फ्रेंड। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे, देखिए फ्रेंड माशाल्लाह ये देखिए फ्रेंड माशाल्लाह हमारे कितने अच्छे फूल गए, बस जो ये फूलते जाएंगे ना फ्रेंड ये इनको हम देखिए, ये देखिए कैसे अच्छे बढ़िया फूल गए फ्रेंड। बस अब हम इनको निकालते जाएंगे, जो हमारे फूलते जाएंगे ना फ्रेंड हम इनको निकालते जाएंगे। बस देखिए फ्रेंड ऐसे आप भी इसे बनाएंगे ना फ्रेंड, तो आपके भी तवे पर बहुत अच्छे फूलेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे पॉकेट फ्रेंड। ये हमने जो हमारे जो पॉकेट बनाए थे ना फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉकेट है ना फ्रेंड, अब इन पॉकेट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे हाफ कट करेंगे फ्रेंड। देखिए पूरा नहीं कट करेगा फ्रेंड, ये देखिए ये हमारे से ऐसे पॉकेट बन जाएंगे फ्रेंड, ऐसे ही हमें ये काटने फ्रेंड। ये देखिए हम आपको एक और कट करके बताते हैं फ्रेंड, अगर जो नी अगर आपकी नी भी फूले हो फ्रेंड तो कोई घबराने वाली बात नहीं, मेरे भी नहीं फूले, लेकिन देखिए फ्रेंड इसका ये पॉकेट बन जाएगा फ्रेंड, देखिए आपको घबराने वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो हमने जो फिलिंग ली ना, जो हमने फिलिंग बनाई है ना, अब हम इस फिलिंग को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ऐसे भरते जाएंगे फ्रेंड। देखिए देखिए फ्रेंड ये हमारे पॉकेट रेडी हो गए फ्रेंड, बस ऐसे ही हम सारे सारे पॉकेट को हमारे हम सब भर लेंगे। देखिए फ्रेंड फिलिंग आप ज्यादा डालना चाहते हैं आप ज्यादा डालिए, आप कम डालना चाहते हैं आप कम डालिए, आपके ऊपर है। ये देखिए फ्रेंड ये ऐसे करते करते हम सारी जितने भी हमने पॉकेट बनाए ना फ्रेंड, उन सब के अंदर हम इसको फिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड हमने सारे भर लिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे दिखने में फ्रेंड। देखिए प्लीज फ्रेंड अभी रेसिपी को जरूर आप घर में ट्राई करिए, बनाइए और प्लीज मेरे साथ कमेंट करिए, शेयर करिए आपकी रेसिपी कैसी बनी फ्रेंड, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।